एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। एक गरीब ने उनको सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उसे ले लिया। अगले द्वार पर उनको स्वादिष्ट भोजन दिया गया। ले भिक्षु, कहकर उनके पात्र में डाल दिया। बुद्ध ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। आगे जाकर वह स्वादिष्ट भोजन कुत्तों को खिला दिया। साथ चलते शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान आपने यह क्या किया? क्या आधी रोटी से आपका पेट भर गया? इतना स्वादिष्ट भोजन आपने फेंक दिया? शिष्य ने इसका कारण पूछा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसमें श्रद्धा न थी। श्रद्धापूर्वक दिया गया छोटा सा दान लाखों के रुपयों के दान से बढ़कर होता है। श्रद्धा में शक्ति और आकर्षण होता है। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की, इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया, हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघर जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूम कर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़े गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तारते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तंगरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे।
लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवन, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूं, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवन, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। गौतम बुद्ध की